तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्पाइडर प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। मेरे पास कुछ 5-6 स्पाइडर प्लांट हैं, वो मैंने खुद ग्रो करे हैं, वो मैंने एक नर्सरी से कोई परचेस नहीं किया, मैंने बिल्कुल फ्री में लगाए हैं। दोस्तों स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही अच्छा एवरग्रीन प्लांट है और ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, ये हवा को शुद्ध बनाता है, तो आप इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं। दोस्तों स्पाइडर प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है, और अगर आप स्पाइडर प्लांट 4-5 इकट्ठे लगाते हैं हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो आप इसको क्लस्टर में लगाएं, मतलब एक साथ काफ़ी सारे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पाइडर प्लांट को लगाना कैसे है। दोस्तों ये कुछ स्पाइडर प्लांट है जो मैंने खुद ग्रो करे हैं एकदम फ्री में। दोस्तों आपने भी स्पाइडर प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या करना है, दोस्तों स्पाइडर प्लांट में एक स्टॉक निकली होती है, मैच्योर प्लांट आप देखेंगे कोई भी स्पाइडर प्लांट का तो ऐसे कुछ एक स्टॉक निकली होती है डंडी टाइप की, उसमें ये लगे होते हैं रनर्स, इसे कहने हैं रनर्स, ये होते हैं स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट। तो आपने क्या करना है, इसको बस यहाँ से काटना है। आप कोशिश करना कि कोई मैच्योर रनर ही काटना आप, तो ये अच्छा लगेगा, जैसा कि देख सकते हैं मैंने काट लिया है। दोस्तों अब इसको लगाना कैसे है मिट्टी में वो बताता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों स्पाइडर प्लांट लगाने के लिए मैं ये ले रहा हूँ एक प्लास्टिक का कप, आप चाहे तो आप भी ऐसे कप का यूज़ कर सकते हैं स्पाइडर प्लांट को लगाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, स्पाइडर प्लांट का जो रूट वाला एरिया है जैसे कि आप देख सकते हैं ये, इसको हम मिट्टी में दबाएंगे। दोस्तों हमने बस रूट वाले एरिया को मिट्टी में दबाना है, ये जो पत्ते आ रहे हैं इसको नहीं दबाना। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया मिट्टी में। दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की कि हमने इसको रखना कहाँ पे है। तो दोस्तों स्पाइडर प्लांट लगाने के बाद बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको रखना कहाँ पे है। दोस्तों स्पाइडर प्लांट एक शेडी एरिया का प्लांट है, इसे धूप बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप इसको एक शेडी एरिया में रखना जहाँ पे धूप ना आती हो, इसको बिल्कुल अंधेरी जगह पे नहीं रखना, बस एक शेडी एरिया में रख देना जहाँ पे धूप ना आती हो, हल्की हल्की रोशनी आती हो। अगर आप इसको धूप में रख दोगे तो ये नहीं ग्रो कर पाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि वाटरिंग की हमने इसमें कितना पानी देना है, तो दोस्तों जैसे कि आज आपने इसे लगाया है तो आपने इसमें अच्छे से पानी डालना है, और अगली वाटरिंग जब करनी है जब इसकी पूरी जो है मिट्टी ड्राई हो जाएगी, अगर आप इसमें ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके रूट्स में जो है वाटर होता है काफ़ी ज़्यादा और इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इसलिए आपको पानी थोड़ा कम ही डालना है। ठीक है, आप इसमें कम पानी डालोगे तो चल जाएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी स्पाइडर प्लांट को लगाने की, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।